मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया डैड आपने अपना गांव छोड़ दिया, अभी आपका क्वेश्चन है ना उसका जवाब दे दिया। गांव छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मतलब शहर क्यों आ गया, बहुत अच्छा गांव था आपका, ये हम लोग दिवाली कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये आपका अपना है कि आपका डेट पे लिया है, तो इसके बारे में। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग आप सभी को, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुद्रा पूजा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत से लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन, जब से मैं बाहर आया हूँ चंडीगढ़, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया डैड आपने अपना गाँव छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, और आप यहीं पर रहने वाले हो, क्या सीन है, वो सभी क्लियर करना ज़रूरी है। और तो मैंने सोचा चलो इस पर एक प्रॉपर ब्लॉग लेके आते हैं, मम्मी हम सभी लोग बैठ के आपसे बातें करते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है ना उसका जवाब देते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो और जो भी आपके अंदर डाउट चल रहे हैं ना हमारे लेके कि हम लोग गांव छोड़ दिया, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो सबको क्लियर करना है। तो चलो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होगा, लास्ट तक देखना, आपके सारे जब क्वेश्चन का जो आंसर है ना शायद इस ब्लॉग में मिल जाएगा, फिर भी कुछ अगर बच जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आने वाले कुछ ब्लॉग्स में हम उन सभी का जवाब दे दें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मोहतरमा रेडी हो रही है और फिलहाल अभी कुछ सूट होने वाला है हमारा, तो ये मैंने बोला इसे सारी फन, तो मुझे क्या बोलिए, खुद तो दिन भर ड्रेस चेंज करते हैं और मुझसे भी करवाते रहते हैं। यहाँ किसका पंजा का हाथ छपा हुआ है, बउआ का लग रहा है छोटा सा, ये दिवाली स्पेशल, वाह लुकिंग ऑसम, ये बात लेके चलते हैं आपको। और अभी सभी लोगों का खाने का मन था समोसा और जलेबी, तो अभी शायद जोमेटो पे ऑर्डर हो गया है। मैं एक हफ्ते से सोच रही थी कि मुझे जलेबी खाना है, मैं ऑर्डर कर रही हूँ लेकिन मैं सिर्फ सर्च कर रही थी, देख रही थी, बोले ऑर्डर किया क्या, तो फिर मैंने जलेबी का नाम लिया ना, तो मम्मी कह रही है मुझे भी खाने का मन है। क्या खाने का मन था मम्मी, मिठाई तो हमेशा ही मन करता है, मीठा खाने का, मीठा का चक्की इतना बड़ा मिलता है, गन्ना का जो बनता है सो कड़िया कड़िया रहता है, सो कड़िया वाला लाल वाला हमेशा गुड़ भी बोला जाता है, ला के रख देना फोड़ फोड़ के खाते हैं, मेरा हमेशा मन करता है कुछ मीठा खाते हैं, चॉकलेट बिस्किट, धीरे धीरे जवानी में हो जाएगी थोथी, थोथी बोलते हैं दांत वाला मम्मी, थोथा थोथा तो ये लड़का थोथी ना, दिवाली में काफी कम दिन बचे हुए हैं और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे दिवाली हम कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं कि गांव में करने वाले हैं, तो उन सभी का जवाब आपको चाहिए ना, चाहिए ना, चाहिए तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग में बने रहना मम्मी। चलिए आज कोशिश ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत खाने पीने के लिए भी कुछ रख लिया। हे गाइस, तो फिलहाल हम लोग बैठ चुके हैं, आज ये प्रॉपर ब्लॉग नहीं होने वाला है, सब मतलब ये आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देने वाले हैं, इधर मम्मी बैठ चुकी है, इधर मैं, इधर इधर बैठी हूँ, इसके बाद होगा सारा क्वेश्चन आंसर का जवाब। अच्छा, ये प्यारा सा ब्लॉग, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये चल रहा था कि आपने अपना गांव छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मतलब शहर क्यों आ गए, बहुत अच्छा गांव था आपका, जिसका जवाब मम्मी देने वाली है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और हमने अपना गांव छोड़ दिया, क्या करते हैं, गाँव को छोड़ने का चीज है, घूमने आए हैं, फिर जाएंगे, तो बात ये है कि हम लोग अपने कुछ कुछ बिजनेस समझ लो या आने वाले कुछ अपना वर्क जो है, हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने अपना गांव नहीं छोड़ा है, हम लोग शहर आए हैं और मोहाली आए हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा शहर लगा था जब इससे पहले मैं आया था, तो यहाँ पे हम लोग परमानेंट अभी रहने के लिए व्यू से नहीं आए हैं, हाँ बट जो हमने ये रूम लिया है ये अभी अप्रॉक्स 6 महीने से साल भर हम लोग रखने वाले हैं अपने पास, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग बाहर शिफ्ट होना है कि गाँव शिफ्ट होना है, अभी हम यहाँ परमानेंट शिफ्ट नहीं हुए हैं, और मतलब गांव भी जाएंगे, महीने में 20 दिन गांव रहेंगे, 10 दिन यहाँ रहेंगे, जब भी घूमने का मन करेगा पूरी फैमिली का, मम्मी का, पापा का, सभी लोगों का, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से जो भी स्पॉट है ना, शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर, देहरादून, मतलब दिल्ली, ये सभी काफ़ी नज़दीक है, तो ये घूमने के पर्पज़ से हमने एक बीच का स्पॉट बनाया है कि जब भी मन करेगा हम लोग यहाँ आएंगे, आराम से खाना पीना खाएंगे, खुद से बनाएंगे, फिर यहाँ से अपनी गाड़ी रहेगी और यहाँ से आराम से हम लोग घूमने जाएंगे, तो मेन पर्पस हमारा यही है कि हमने अपने गांव अभी छोड़ा नहीं है और गांव को अभी छोड़ नहीं सकते, गांव छोड़ने की चीज़ होती नहीं है,
कितना भी मतलब आप आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, आपका जन्म स्थल है ना, उसको कभी आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। कितना कितना दिन रहता है गांव छोड़ भी नहीं सकता, हम 10 दिन में गांव छोड़। जो लोग बाहर में रहते हैं वो अपना गांव में घर से भी जन्म स्थान कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली वो जगह तो बहुत ही अच्छी होती है। और मान लीजिए कि आप शहर में रह रहे हो, शहर में कुछ भी होता है तो सब अपने घर ही भागते हैं, कहीं नहीं जाते, सिर्फ गांव ही जाते हैं और अपने घर ही जाते हैं कोई भी। और बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन उठ रहा था, डायरेक्टर आप जिस घर में रह रहे हो ये आपका अपना है कि आपने रेंट से लिया है, मतलब इसके बारे में बहुत लोग क्वेश्चन मतलब कमेंट कर रहे थे कई दिनों से, तो लगभग मैं बहुत दिनों से देख रहा था, मैंने सोचा ही था कि इसका प्रॉपर बताइए। रेंट पर लिए हैं अपना, तो नहीं कोई मतलब उतना सोचने वाली बात नहीं है, हमने 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 अपना घर अभी खरीदा नहीं है। और फ्यूचर प्लान क्या होगा, हम मम्मी हमेशा बोलती है ना कि कुछ भी पहले बताओ नहीं, पहले कर लो इसके बाद बताओ। तो और मैंने देखा भी है कि मैं अक्सर आप लोगों से कुछ शेयर कर बोल रहे हैं कि पहले कुछ कर लो इसके बाद बताना ऑडियंस को, चाहे अपनी फैमिली को, चाहे किसी भी रिश्तेदार को, दोस्त को, तब बताना। इसलिए मैं आगे का प्लान अभी कुछ नहीं बताऊंगा कि आगे हम यहाँ रहने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, जो भी मतलब कुछ भी मन में आता है आपका। रह भी सकते नहीं भी रह सकते, बस अभी तो कुछ दिन रहे हैं। बस ये समझो कि हमने यहाँ पे घूमने के हिसाब से हमने एक पिकनिक स्पॉट बनाया है, बहुत ही प्यारा जगह है मोहाली। और आपने देखा ही होगा हरिद्वार टूर हम लोग 3 से 4 घंटे में अपने ड्राइव करके चले गए थे। हम लोग दिवाली कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हम दिवाली यहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये घर हमने ले लिया है रेंट पे ही हो, जब तक रेंट दे रहे हैं तब तक तो अपना ही है, क्या जब तक रेंट पे कर रहे हैं तब तक अपना है, तो यहाँ भी हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करके जाएंगे। और मेन जो दिवाली है ना वो हम लोग अपने गांव में सेलिब्रेट करेंगे। और रहा छठ पूजा, तो वो नो डाउट कि छठ पूजा हम तो अपने गांव में सेलिब्रेट करेंगे। और छठ पूजा हम बिहारियों के लिए एक पर्व नहीं, एक आस्था है और एक भावना है, हमारे लिए एक इमोशन है जो बचपन से जुड़ा हुआ है, छठ घाट जाना, छठ सेलिब्रेट करना, सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठा होना। तो नो डाउट कि छठ पर हम घर रहेंगे, दिवाली पर भी घर रहेंगे, बट दिवाली यहाँ से सेलिब्रेट करके जाएंगे। और कल हम लोग निकलने वाले भी हैं, तो वो सभी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। चलो फिलहाल आपका जो क्वेश्चन, जो एक दो क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दे दिया। बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर ब्लॉग कम शिवांश कम, बाकी और भी क्वेश्चन होंगे। ये हमारा अपना घर नहीं है, रेंट पे लिया है, फिर भी हम बहुत से लोग बोल रहे थे रूम टूर के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो अभी हमने पूजा पाठ नहीं किया है। पूजा पाठ जब हम गांव से आएंगे ना छठ के बाद, तो इसमें पूजा पाठ भी करेंगे, फिर से रूम टूर ब्लॉग भी लेके आएंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। तो बोलने का मतलब यही है ना मम्मी, कि बच्चों के साथ जैसा बोलिएगा सिखाएंगे तभी तो सीखेगा ना। हे गाइस, तो शिवांश 2 साल का होने वाला है और अभी तक प्रॉपर बोलता नहीं है, वजह ये है ना कि 1 2 3 हाँ मतलब इसको मन करता है तभी बोलता है। अभी पता है 6 महीने का था ना, 6 या 7 महीने का, तो उस समय पापा बोला था हमको, 2 महीने का था ना, 2 महीने का, तो अभी पहला बार माँ बोला था। हाँ, ये पेट में था ना उसी समय पापा बोल रहा था हमको, नहीं नहीं पेट में था उसी समय पापा कर रहा था, वो याद है पूरा। मम्मी से मम्मी सुनी थी, मम्मी सुने थे ना पेट में था, सुने थे ना। 2 महीना पे हुए, 2 महीना पूरा 2 महीना हुआ था ना, इसीलिए अभी नहीं बोला। आप नहीं बोल रहे, 2 महीने में बोल लिए, नहीं बोल रहा है एकदम एग्जैक्टली, जैसे 2 महीना पूरा हुआ था ना वही मां बोला था। देखो अपना मम्मा का परिक्रमा कर रहा है। तो ये वाला ब्लॉग हम लोग खत्म करते हैं, और बाकी बता दें आपको अभी आने वाली है गरम गरम जलेबी और समोसे जो अभी हम खाने वाले हैं, और स्पेशली मम्मी को भी खाने का मन था, पूजा को भी खाने का मन था, मेरा मन नहीं था, बट मैं समोसा लवर हूँ, समोसा देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, जबकि समोसा के लिए मम्मी मना भी करती है ज्यादा खाना अच्छा है। समोसा पसंद है, समझ नहीं आता इतना ज्यादा किसी को कैसे पसंद हो सकता है समोसा। ठीक है, तो हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं, और हमने घर को अभी प्रॉपर सजाया नहीं है, इस वजह से रूम टूर ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा डिले आएगा। ये हम छठ के बाद जब आएंगे ना तो प्रॉपर घर को सजाएंगे, इसके बाद रूम टूर ब्लॉग, और इसके बाद प्यारा सा पूजा करेंगे भगवान जी का, और इसके बाद आपके लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आएंगे। और शिवांश को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो पैकिंग भी करना है, तो कल मॉर्निंग में हम लोग पैकिंग करेंगे। शिवु बता दो नूश कहाँ है, नूश बताओ आपको सिर्फ अकेले में बताएगा। हे फैमिली, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपने जलेबी समोसे का,
बहुत ही बेसब्री से वेट हो रहा है। मम्मी भी पूछ चुकी है कितनी बार की कितना देर में आएगा, हम भी पूछ चुके हैं कितना देर में आएगा, सभी लोग वेट कर रहे हैं। जलेबी के नाम से मुंह में पानी आ रहा है। Hey guys, तो डिलीवरी आ चुका है, अभी चल रहे हैं रूम के नीचे और अपना डिलीवरी।